हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हरभजन सिंह और गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ काफ़ी चल रही है कि आखिर ऐसा शाहिद अफरीदी ने क्या कहा। फ्रेंड्स, शाहिद अफरीदी ने कश्मीर और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर के रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पर अगर इनकी बात करें तो अफरीदी ने कहा है कि कोरोना से बड़ी बीमारी मोदी के दिल और दिमाग में है और वह बीमारी मजहब की बीमारी है। ये एक संकीर्ण मानसिकता को रेखांकित करता है शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी ने जो ये स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट ऐसे समय में दिया है जब वो अपने राजनीतिक करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब किसी व्यक्ति की पहचान खोने लगती है तो वो एक ऐसा स्टेटमेंट रखता है ताकि वो अपनी पहचान को फिर से जनता के समक्ष ला सके। अतः पाकिस्तान की राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं कहीं ना कहीं शाहिद अफरीदी, इसी को ध्यान में रख करके ये संकीर्ण मानसिकता वाली सोच को अफरीदी ने जाहिर किया है। खैर, लेकिन हमारे देश के पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। शाहिद अफरीदी को गंभीर ने ट्वीट पर लताड़ लगाई है। गंभीर ने लिखा है कि पाकिस्तान के पास 7-7 लाख फौजी हैं और 20 करोड़ लोग उनके पीछे खड़े हैं, फिर भी कश्मीर के लिए 70 साल से भीख मांग रहे हैं। अफरीदी, इमरान और बाजवा, ये तीन व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण, अफरीदी, इमरान, बाजवा जैसे जोकर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जहर उगल सकते हैं, जिससे पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। लेकिन फैसले के दिन तक कश्मीर नहीं मिलेगा, याद है ना बांग्लादेश। ऐसा स्टेटमेंट गंभीर ने शाहिद अफरीदी पर लगाया और सीधे उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर हम हरभजन सिंह की बात करें तो हरभजन सिंह ने भी पूरी तरह से शाहिद अफरीदी को लतार लगाई है। हरभजन सिंह ने कहा है कि जो अफरीदी ने हमारे पीएम के खिलाफ बोला है वो बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं है। अफरीदी ने इस मामले में अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं सोचता था कि अफरीदी हमारे दोस्त हैं, लेकिन दोस्त कभी ऐसी बात नहीं कर सकता और आज से मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अतः उन्होंने अपने संबंध कहीं ना कहीं अफरीदी से विच्छेद कर लिए हैं, जो दोस्ताना संबंध कभी रहा करते थे। फ्रेंड्स, अगर हम विश्लेषण रूप से करें, एनालिटिकल रूप से करें, तो यहाँ पे अफरीदी ने अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पाकिस्तान को लीड किया हो ऐसे कैसे स्टेटमेंट दे सकता है, तो इसके पीछे मेजर लॉजिक, कहीं ना कहीं अपनी पहचान को जनता के बीच में कोरोना संकट के काल में उबारना है, इसी को ध्यान में रख करके अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा। आई होप फ्रेंड्स कि मेरे द्वारा जो ये वीडियो दिया गया उससे आप काफ़ी ज़्यादा समझे हों और एनालिटिकल चीज़ों पर आपने समझ बनाई हो। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।